ये मेरे पिताजी करते थे 2530 साल से। उसके बाद हमारे यहाँ सोफा बनता है, केन का झूला बनता है, रॉकिंग बनता है, मोरा स्टूल डलिया। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं वीके सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने ओरवॉइस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज एक नई इंडस्ट्री, नया बिजनेस आपको क्या मिलने वाला है, कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं, क्या इंडस्ट्री है, क्या बिजनेस है, पूरी जानकारी लेते हैं। और अब हमारे पास खड़े हैं सुरेश जी। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये कौन सा बिजनेस है? ये केन फर्नीचर का बिजनेस है, बेत का। केन फर्नीचर का, आप कितने साल से कर रहे हैं इस बिजनेस को? ये मेरे पिताजी करते थे 2530 साल से, उसके बाद हम कर रहे हैं। पहले आपके पिताजी करते थे, अब आप करते हैं, ये बात बताइए कि क्या ये धंधा करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है? हाँ, इससे अच्छा कमाया जा सकता है, अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और इसमें आप बताइए कि क्या क्या बनता है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ सोफा बनता है, केन का झूला बनता है, रॉकिंग बनता है, रैक बनता है, मोरा स्टूल डलिया उलिया सब बनता है, सब चीज बनता है। और गाइस, अगर आप देखना चाहते हैं कि इनके यहाँ क्या क्या बनता है, तो आई बटन पर जाइए, क्लिक करिए, आपको पूरा डिटेल में वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पे आप जाके इनकी फैक्ट्री देख सकते हैं, आपको सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा। एक बात बताइए, जब लकड़ी है तो ये केन का क्यों सामान लें? केन हल्का होता है, इस पे बहुत फ़ायदा होता है, इस पे गद्दा का यूज कम होता है, शरीर के लिए फ़ायदामंद होता है, इसमें घुन कीड़ा नहीं लगता है। अच्छा, घुन कीड़ा नहीं लगेगा इसमें? इसमें घुन कीड़ा नहीं लगता है। शरीर के लिए क्या फायदेमंद होता है? शरीर का दर्द गायब होता है। कैसे दर्द गायब हो सकता है? एक्वा प्रेशर काम करता है शरीर में बैठने पर। हाँ, तो हम तो देखते हैं सब लोग इस पे गद्दा उद्दा डाल के रखते हैं। गद्दा तो शौक से लोग डाल लेते हैं आराम के लिए, लेकिन गद्दा हटा के बैठने में शरीर का सारा दर्द गायब हो जाता है। अच्छा, मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि अगर इस पे अगर बैठना हो तो गद्दा ना डाले आदमी, और इस पे बैठे तो शरीर का दर्द को ये कम करता है, बीपी ब्लड शुगर सब कंट्रोल करता है। तो गाइस ये बता दूं, जैसा सुरेश जी बोल रहे हैं कि बीपी शुगर सारा चीज कंट्रोल करता है, एक्वा प्रेशर का काम करता है, डॉक्टर का भी सलाह है ये, डॉक्टर हाँ डॉक्टर का इनका कहना है, ये डॉक्टर का भी सलाह है, तो इसको आदमी मंगा सकता है जैसा ये बोल रहे हैं। और देखने में तो खूबसूरती तो ये लाजवाब होता है, ये बेत में खूबसूरती में कोई इसकी कमी नहीं है, ये तो मैं भी आपको देख रहा हूँ और दिखा सकता हूँ, और आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बात बताइए कि आपके साथ जुड़ के लोग कैसे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं? इस बिजनेस के लिए करने के लिए कम से कम 80 से 1 लाख रुपया की जरूरत पड़ती है, इसमें जिसमें सोफा सेट मिल जाएगी, 2-4 झूला मिल जाएंगे, रेक मिल जाएंगे, मोरा स्टूल मचिया लमसम एक दुकान का आइटम भरपूर हो जाएगी। मतलब इनका ये कहना है कि एक दुकान का अगर आइटम चाहिए तो लगभग 1 लाख रुपए लगाइए, 1 लाख रुपए लगाते हैं तो लगभग सारे रेंज इनके साथ कवर हो जाएगा और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कितना कमा सकता है आदमी, एक बार बताइए? 1 लाख रुपये लगाता है तो महीने में ये तो टर्नओवर भी होगा, एक बार लेगा फिर दो बिकेगा तो दोबारा लेगा तिबारा लेगा, तो लगभग कितना कमा सकता है? सेल के ऊपर है, सेल हो गया तो अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, 20 से 15 से 20-25 हज़ार तक का मंथली हो जाएगी, 20-25 हज़ार तक मंथली कमा सकता है, अपना टर्नओवर करता जाएगा और कमा सकता है। ठीक है, और एक बात बताइए कि लोग आपसे क्यों लें, ये आइटम आपसे क्यों लें? ऐसे तो बहुत लोग बेचते हैं, आपसे क्यों लें? क्योंकि हम खुद से बनवाते हैं, खुद का फैक्ट्री है, अपना कारीगर रहता है, और सबसे सस्ता देंगे, सब लोग हमसे लेके बेचता है। अच्छा अच्छा, ये इनका कहना है कि ये खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनके पास, इसलिए इनका रेट सस्ता है, और वो वीडियो आप देख चुके होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। इनके पास लेने से ये फायदा है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो इसलिए इनका रेट आपको बाकियों से कम मिलेगा। साथ में इनका ये कहना है, अब ये बताइए दूसरा एक क्वेश्चन मेरे को, और सबसे मेन क्वेश्चन था, अगर बाहर के लोग बिजनेस करना चाहते हैं, मान लीजिए यूपी ले जाना चाहे, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, तो वो लोग कैसे आपके साथ जुड़ के बिजनेस कर सकते हैं? वो सब ले जाने के लिए उसके लिए गाड़ी की सुविधा है, ट्रक है, बस की सुविधा है, ट्रेन की सुविधा है। मतलब ये कहना है कि लोडिंग आप करवा देंगे? हाँ, लोडिंग करवा। तो इनका कहना ये है कि लोडिंग इनके पास हो जाएगा, और लोडिंग कराने के बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपको देना पड़ेगा, और आप अपना बिजनेस, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो आप इनके साथ जुड़ के उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर किसी को अपने घर के लिए लेना हो तब कैसे ले सकता है? घर के लिए लोकल हो तो हम लोग भिजवा ही देते हैं पूरा बिहार तक कहीं भी। अच्छा, बस की सुविधा से, ठेला की सुविधा से, पिकअप की सुविधा से। अच्छा, मतलब अगर वो पेमेंट आपके अकाउंट में कर दे और आप भिजवा देंगे, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, भाड़ा की गाड़ी से, कोई भी भाड़ा वाला गाड़ी से, बस हो, पिकअप हो, अच्छा छोटा गाड़ी हो, टेम्पो हो, तो आप भिजवा देंगे, आप पहुंचा देंगे, इसका क्या गारंटी? आप कैसे हम बता दें कि आप सही आदमी हैं और आप जो लोग लेंगे उसको कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा? अपने पास GST बिल है, सब कुछ है। अच्छा, गूगल पे है, करेंट अकाउंट है, GST है आपका, करेंट अकाउंट है जी? हाँ, सब कुछ है। अच्छा, तो आप बाहर भी मतलब सामान सप्लाई करते हैं? तो गाइस ये बता दूं, अगर आप इंडिया में किसी कोने पे भी रहते हैं, इनके साथ जुड़ के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं,
और 1 लाख पूंजी अगर आप लगाते हैं तो अगर आपके सेलिंग के ऊपर होता है, अगर टर्नओवर अच्छा होता है तो 25-30 हज़ार रुपये तक आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं। कम लागत में ज़्यादा पूंजी आप इससे बना सकते हैं। अब टिकने की बात करें, अगर लकड़ी का सोफ़ा होता है चाहे लोहा का सोफ़ा होता है, कई कई समय तक सालों तक चलता है, ये कितना टिकेगा? ये लकड़ी वाला मिक्सिंग होता है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होता है। अच्छा, बेत ओनली बेत लगता है। लकड़ी में जंगली लकड़ी लगा देगा, आम की जगह, सिखुआ की जगह कुछ भी लगा देगा, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होता, बेत ओनली बेत। बेत का लाइफ 20-25 साल है। तो ये 20-25 साल के बाद टूट जाएगा? टूटेगा नहीं, फिर मेंटेन होते रहे, पॉलिश होते रहे, 2-2 साल पे, 3-3 साल पे, तो 100 बरस जाएगा। रिपेयरिंग पॉलिश होते रहे तो, रिपेयरिंग पॉलिश होता रहे तो ये 100 बरस तक जाएगा। अच्छा, तो कहने का मतलब गाइस, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि सुरेश जी से मैंने सारी जानकारी लिया है। हम मैक्सिमम हमारी कोशिश यही होती है कि सही जगह तक सही लोगों को कैसे पहुँचा पाएँ। यहाँ पे बहुत से लोग बेत के फर्नीचर, केन के फर्नीचर बेच रहे हैं, लेकिन मैं आपको इनके पास इसलिए लाया और इससे पहले आपको इनका फैक्ट्री का विजिट इसलिए कराया कि आप समझ जाएँ कि आप एक फैक्ट्री ओनर से बात कर रहे हैं या एक फैक्ट्री ओनर से मिल रहे हैं जो खुद अपना बनाते हैं उसके बाद आपको देंगे। तो एकदम बिल्कुल सत्य है कि जो लोग बाकी लोग बेच रहे हैं उनकी अपेक्षा जरूर कुछ ये आपको सस्ता देंगे, और आप जब सस्ता लेंगे तभी आप सस्ता बेचेंगे, तो आप अपने बिजनेस में ज़्यादा टर्नओवर कर पाएंगे, ज़्यादा पैसा अर्निंग कर पाएंगे। तो गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और लगातार हम इस तरह के वीडियोस लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि कैसे आप अपना स्टार्टअप कर सकें, कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें या कैसे आप अपने जीवन में कैसे इससे फ़ायदा उठा सकें। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिए और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।